हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा सिंह और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डिलीवरी की ड्यू डेट कौन सी होती है, एलएमपी वाली या अल्ट्रासाउंड वाली। आपकी प्रेगनेंसी आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन से औसतन 280 दिन यानी 40 हफ्ते तक रहती है। आपके आखिरी पीरियड के पहले दिन को प्रेगनेंसी का एक दिन माना जाता है, भले ही आपने लगभग 2 वीक बाद तक गर्भधारण नहीं किया हो। आपकी प्रेगनेंसी की डिलीवरी डेट की जो गणना होती है, कैलकुलेशन होती है, एक सटीक विज्ञान नहीं होता है। बहुत ही कम महिलाएं वास्तव में अपनी ड्यू डेट तक पहुंचती हैं। इसलिए आपके बच्चे का जन्म कब होगा इसका अंदाजा लगाना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कोशिश करें कि आप उस ड्यू डेट से इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा ना जुड़ें। अब ये आते हैं इस बात पर कि कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाती है। तो आपकी जो पिछली लास्ट जो पीरियड है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो पहला दिन है, उसमें आप 7 दिन जोड़िए और फिर 3 महीने घटाइए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका जो लास्ट पीरियड था वो 1 नवंबर 2022 था, तो अब उसमें 7 दिन जोड़ने हैं तो हो गया 8 नवंबर 2022। अब इसमें से 3 महीने घटाने हैं तो ये हो गया 8 अगस्त 2022। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपनी ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकती हैं। तो लास्ट पीरियड की डेट के अनुसार ही डिलीवरी की डेट निर्धारित करी जाती है। लेकिन यदि कोई महिला अपनी तारीख भूल गई है, यानी कि उसका आखिरी पीरियड कब आया था ये भूल गई है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा इस तारीख का पता लगा सकते हैं। इसमें यदि प्रेगनेंसी की शुरुआत में, यानी कि जो पहले ट्राइमेस्टर में, पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड होता है, उससे एक अनुमानित तारीख दी जाती है, एक एस्टिमेटेड तारीख दी जाती है, और उसके अनुसार ही डिलीवरी की डेट का निर्धारण किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।